बिहार में सुशासन की सरकार है, न बचाते हैं न फंसाते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है, ये सब बातें थोथी हैं। ये महज जो है मंच पर खड़ा होके अपने कमियों को दबाने का एक तरीका है। जो बीपीएससी में टॉप किए, सेकेंड रैंक लाए, पांचवा रैंक लाए, नौवा रैंक लाए, पंद्रहवा रैंक लाए, उन लोगों को जो पहला उनका प्राथमिकता था डीएसपी, वो नहीं मिला। ऑल इंडिया सर्विस में ऑफिसर हैं, उनका ये कहना था कि मेरा नौवा रैंक था और मैं फिजिकली फिट था और मेरा चौथा चॉइस जो है वो कन्फर्म किया गया। तो एक एक चीज का जांच किया जाए। 2010 से लेकर 2024 तक हर एक अधिकारी, चाहे बीपीएससी हो, सीएसबीसी हो, दरोगा भर्ती हो, बीएसएससी हो, उनके हर एक कार्य प्रणाली को देखा जाए, कहां कहां आरोप लगा है, किनके किनके द्वारा जो है नियमों को ताक पर रख के, रंजीत कुमार रजक सबसे बड़ा विलेन है इसका, वो जो है बीएसएससी के पेपर लीक मामले में, गड़बड़ी मामले में वो चार्जशीटेड था। और देखिए उसके बाद वो बीपीएससी 53-55 निकाल लेता है, पूरी तरह से वो सेटिंग पर ही निकाला है। और ईओयू के द्वारा सरकार को, राजभवन को ये चिट्ठी लिखा गया कि इस अधिकारी की आप तैनाती न करें, जो इन दौरान छात्र चयन नहीं हो पाए, जिनके सपने पूरे नहीं हो पाए, योग्यता रहने के बावजूद कम से कम उनके जख्मों पर मरहम तो लगाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेश पुरी। आज दैनिक भास्कर पेपर में बिहार में होने वाली परीक्षाओं, खासकर बीपीएससी 66वीं, 67वीं, 56 से 59वीं, बिहार पुलिस की अग्निशमन की परीक्षा, उत्पाद की परीक्षा, उत्पाद में सिपाहियों की परीक्षा से संबंधित काफ़ी गंभीर खुलासे किए गए हैं। और आपको बता दें कि हम भी लगातार, हम हो या छात्र हो या फिर छात्र नेता हो, दिलीप कुमार लगातार बीपीएससी सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी, पेपर लीक, साठ गांठ को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं। हमने आपको 2022 में जब बीपीएससी 67वीं का पेपर लीक हुआ था तो लगातार 2-3 महीने बताए थे कि कैसे कैसे बीपीएससी में खेल हुए हैं। और देखिए कि भास्कर पेपर में जो ईओयू के हवाले से या फिर इनके सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल के आई हैं वो पूरी तरह से विश्वास को तोड़ने वाली है कि कैसे आखिर बिहार में बहालियाँ हुई, कैसे बीपीएससी जो कि राज्य का सबसे बड़ा भर्ती इकाई है उनके द्वारा बंदर बांट किया गया सीटों का। और आपको बता दें कि सिपाही भर्ती में जम के जो है पेपर खेला गया। इसके अलावा बता दें कि 67वीं में पेपर लीक था, यहाँ पर आरोपियों ने स्वीकारा है कि उन्हें परीक्षा से पहले 60-60 क्वेश्चन भेजे गए जो कि पूर्णतः वही एग्जाम में पूछे गए। 67वीं में भी उनके पास प्रश्न आए थे, ऐसे में ईओयू के जाँच पर भी प्रश्न उठता है। 67वीं में सीधे गया के एक सेंटर के से को दोषी ठहरा दिया गया, लेकिन उसके और भी आयाम थे, और जगहों से भी क्वेश्चन लीक हो सकता था, और लोग भी उससे जुड़े हुए थे, उन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया गया। आज आप पेपर में देखिए, जो पेपर में दिया गया है आप देखिए कि भास्कर ब्रेकिंग, 56वीं से 59वीं एवं 63वीं बीपीएससी से चयनित 15 से अधिक अधिकारियों की नियुक्ति में फर्जीवाड़े की आशंका, 2019-21 के सिपाही भर्ती, 2022 के अग्निशमन उत्पाद भर्ती और 66वीं बीपीएससी का पेपर लीक था। अब समझिए कि इतना बड़ा ये हेडलाइन है, ये 66वीं का पेपर लीक था और छात्र उस समय चीख चीख के कहते रहे लेकिन आयोग मानने को तैयार नहीं हुआ। और 2010 से लेकर 2022 तक के जितने भी आयोग के कर्मचारी अधिकारी थे, अब उन सभी का जाँच होना चाहिए, उन सभी के कार्यप्रणाली, उनके द्वारा उठाए गए एक्शन, दिए गए बयान की जांच परख होनी चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने न जाने कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। कितने कैंडिडेट, लाखों कैंडिडेट जो होंगे 2010 से लेकर 2022 के बीच में इन परीक्षाओं के कारण डिप्रेशन के शिकार हुए होंगे, उनका योग्य होने के बावजूद उनका चयन पैसे लेकर दूसरे अयोग्य लोगों को कर दिया गया होगा। तो जांच होनी चाहिए, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए और एक नज़ीर पेश करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा करने का सोच भी ना सके, उनके सामने डर रहे कि आज तो हम कर रहे हैं लेकिन बचने वाले नहीं है, 10 साल बाद भी हम पकड़े जाएंगे। पूरा खबर आपको हम बताते हैं जो कि आज भास्कर ने काफ़ी प्रमुखता से दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में ईओयू ने जाँच शुरू कर दी है। इस बीच 2022 में हुए 67वीं बीपीएससी पेपर लीक का मामला भी चर्चे में आ गया है। 67वीं बीपीएससी पेपर लीक मामले की जांच रिपोर्ट को जब भास्कर टीम ने खंगाला तो
चौंकाने वाले कई तथ्य सामने आए। आपको बता दें हम कि पेपर लीक के मास्टरमाइंड कृषि विभाग के सहायक भागलपुर निवासी राजेश कुमार ने कई खुलासे किए। राजेश ने जांच टीम को बताया कि इन लोगों ने ही साल 2019 और 2021 में हुई सिपाही भर्ती का प्रश्न भागलपुर से लीक कराया था। इतना ही नहीं, 2021-22 में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न और मार्च 2022 में हुए अग्निशामन सिपाही भर्ती का प्रश्न इसी गिरोह ने भागलपुर से लीक कराया था। तो भागलपुर कनेक्शन आ रहा है, अभी तक तो भागलपुर का कनेक्शन ही यहाँ पे नहीं था। और आपको हम सिपाही भर्ती को लेकर बता दें, 11,881 या 8,415 जो 2019 से लेकर 2020 के बीच में ये परीक्षाएं हुई, दोनों के प्रश्न पत्र लीक होने की बातें सामने आई थी। 8,415 को लेकर मैं बता दूं आपको कि 14 मार्च और 21 मार्च 2021 को ये परीक्षा हुआ, हर एक दिन दो पाली था, चार पालियों में हुआ था और चारों पाली के आंसर की सोशल मीडिया पे वायरल थे। हाँ, 5-6 सेट आते थे जिसमें से मैक्सिमम गलत होता था, लेकिन 1-2 सेट एकदम सही होता था जो कि छात्र पुष्टि करते थे। इसको लिए छात्रों ने कितनी बार उस समय आवाज़ भी उठाई, लेकिन CSBC को जू तक नहीं रेंगा, क्योंकि उन्हें भी पता होगा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि लगातार आपके एग्जामिनेशन में जो है वो पेपर लीक करे और आप नहीं जान पाए, आपको ये सूचना नहीं मिले, हो ही नहीं सकता है। आपने देखा होगा कि जब पहले सिपाही भर्ती होती थी तो बहुत सारे छात्र एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े होने के बावजूद भी लेट हो जाते थे, गेट बंद हो जाता था और वो चारदीवारी फांद फांद के जाते थे एग्जाम देने के लिए। वजह क्या था? वो इंतज़ार करते थे कि अंत कब जो है वो व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर क्वेश्चन का आंसर किया है। ये उस समय फैशन चल गया था, हमने इसको लेकर भी खबर किया था कि आप एग्जामिनेशन देने जाएं समय से, इंतज़ार नहीं करते रहें कि क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन अब जो है ये खुलासे हो रहे हैं, उसको देखकर ये लगता है कि छात्रों का रुकना वाजिब था। जब उन्हें पता था कि भाई आंसर की आने वाला है, लूट का माल छूट में मिलने वाला है, तो क्यों ना उसका उपयोग करें, ये गलत है। लेकिन ये धड़ल्ले से चल रहा था। तो बता दें आपको कि जितनी सिपाही की भर्तियां हुई हैं बिहार में अभी 2-3 सालों में, सारे का पेपर लीक था और योग्य लोग नहीं पहुंचे हुए हैं। अब समझिए कि BPSC में जो है दो नंबरी तरीका से लोग पहुंचे हुए हैं, दरोगा में दो नंबरी तरीका से लोग पहुंच रहे हैं, सिपाही में दो नंबरी तरीका से लोग पहुंच रहे हैं, और इनके भरोसे बिहार में आप सुशासन की राज्य स्थापित करना चाहते हैं, इनके भरोसे बिहार में भ्रष्टाचार रहित राज्य बनाना चाहते हैं, संभव ही नहीं है। ये चोर उचक्के हैं, चोरी मवालीगिरी करके ये परीक्षा पास किए हैं, अधिकारी बने हैं, सिपाही बने हैं, दरोगा बने हैं। ये कभी भी बिहार सरकार के यहाँ साथ नहीं, माफियाओं के साथ रहेंगे। और आगे बताते हैं जो खबरें निकल के आ रही है, इसमें दिया गया है कि कोई IPS का अधिकारी तो किसी का पति BPSC का अधिकारी बना हुआ है। इसमें दिया गया है पेपर में कि EOU ने BPSC से चयनित 15 से अधिक अधिकारियों को नोटिस भेजा है, साथ ही BPSC से पत्राचार कर इन अधिकारियों के प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट, मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका और साक्षात्कार में प्राप्त अंक की जानकारी मांगी है। इन चयनित अभ्यर्थियों का बदला हुआ नाम यहां पर दिया गया है पेपर में। इसमें ये कहा गया है, आपको हम बता दें, 63वीं BPSC से चयनित रोल नंबर जो है वो दिया गया है कुमारी राधिका, जो है BPSC के एक पदाधिकारी की पत्नी है, BPSC में कार्यरत एक पदाधिकारी की पत्नी है। फिर से राजेश कुमार दिया गया है, राजेश कुमार है, 56वीं से 59वीं में चयनित रोल नंबर दिया हुआ है राजेश कुमार रंजन, एक IPS का भाई, फिर से सुनील कुमार DSP का बहनोई, फिर से आकाश कुमार रजक DSP का भाई, फिर से रंजीत कुमार रजक जो कि रोल नंबर दिया गया है, सुमित कुमार एक जो है वो एक पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का पुत्र है। तो ये जानकारी कैसे भाई भतीजावाद चला है। और आपको बता दें हम कि एक खबर 2022 में यह भी मिली थी कि BPSC में तैनात बहुत सारे ऐसे सहायक हैं या फिर कर्मचारी हैं जिनका BPSC में सिलेक्शन हुआ, बहुत बड़ी संख्या में हुआ। इसके अलावा और बता दें, अन्य विभागों में जो सहायक के पद पर तैनात हैं, चाहे वो गृह विभाग हो, सामान्य प्रशासन विभाग हो या अन्य जो विभाग हैं, उनके जो सहायकों ने बड़ी मात्रा में 2022 तक BPSC को क्रैक किया। और एकाएक से देखिए 2022 के बाद ये सिलसिला खत्म हो जाता है, 68वीं, 69वीं, 67वीं का भी रिजल्ट आया,
इसमें इन लोग ऐसे लोगों की संख्या एकाएक से नीचे गिर गया, जबकि 2022 से पहले बहुत बड़ी संख्या में बीपीएससी में कार्यरत जो सहायक हैं, सेक्शन ऑफिसर हैं, उनके रिश्तेदार या खुद उनकी पत्नी बड़ी संख्या में बीपीएससी क्रैक किया, उन्होंने अच्छे अच्छे पोस्ट लिया। तो उस समय हमने सारे ये प्रश्न उठाए थे, और आज जो ये जांच रिपोर्ट के बारे में पेपर में दिया गया है, ये उन बातों को सही साबित करता है। छात्र नेता दिलीप के द्वारा लगातार बीपीएससी को कहा गया 2022 तक कि भ्रष्टाचार का अड्डा है, यहाँ पर सीटों का खेल चलता है, सीटों का जो है पैसे लेकर लेन देन किया जाता है, ऐसे ऐसे लोग को अफसर बनाया जाता है जो कि पीटी पास ना करें। और आपको यह भी याद होगा 66वीं का रिजल्ट जब जारी किया गया था अगस्त शुरुआत 2022 में, हमने एक खबर किया था कि रैंक घोटाला किया गया है। अब बता दें आपको रैंक घोटाला क्या था, कि जो बीपीएससी में टॉप किए, सेकेंड रैंक लाएं, पांचवा रैंक लाएं, नौवां रैंक लाएं, पंद्रहवां रैंक लाएं, उन लोगों को जो पहला उनका प्राथमिकता था डीएसपी, वो नहीं मिला। नौवां रैंक पर आने वाले जो आज ऑल इंडिया सर्विस में ऑफिसर हैं, उनका ये कहना था कि मेरा नौवां रैंक था और मैं फिजिकली फिट था और मेरा चौथा च्वाइस जो है वो कन्फर्म किया गया, चौथा च्वाइस, न पहला डीएसपी, न दूसरा, न तीसरा, चौथा मेरा कंफर्म किया गया। सिद्धांत, आप हमने आपको कुछ दिन पहले ही उनका इंटरव्यू किया था, सिद्धांत कुमार नाम है, यूपीएससी में इस बार 114 रैंक वो प्राप्त किए हैं, आईएएस बने हैं, उनका पांचवा रैंक था 66वीं में, और उनका कहना है कि हम आईपीएस के लिए एलिजिबल थे और बिहार पुलिस सेवा के लिए भी एलिजिबल थे, पांचवा रैंक लाने के बावजूद भी मेरा पहला च्वाइस कन्फर्म नहीं हुआ। और कन्फर्म किसका हुआ, जिसका 100 रैंक है, जिसका 150 रैंक है। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि पद को लेकर कहीं ना कहीं वो पैसे लिए गए थे कि हम आप हमको इतना पैसा दीजिए, हम आपको डीएसपी बनाएंगे, हम आपको एसडीएम बनाएंगे। तो ऐसे में जो टॉप रैंकर थे उनके सीट तो बिक गए थे, तो कैसे वो पहला च्वाइस उनका डीएसपी और एसडीएम ये सब देते, इसलिए चौथा पांचवा उनका च्वाइस कंफर्म कराया गया। तो ये 66वीं में रैंक घोटाला हुआ था, बहुत बड़ा रैंक घोटाला था। और आपको बता दें कि इसमें और दिया गया है कि बीपीएससी अधिकारियों के वर्तमान पदस्थापन स्थल की जानकारी मांगी। 67वीं बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच जब आगे बढ़ी तो ईओयू को हैरान करने वाली कई जानकारियां मिली। अब ईओयू ने 2010 से लेकर 2022 तक बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, प्रभारी अध्यक्ष, सदस्य सचिव, परीक्षा नियंत्रक और संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े सभी उप सचिव ओएसडी की जानकारी मांगी है। ईओयू ने बीपीएससी से इन लोगों के गृह पता, वर्तमान पदस्थापन स्थल और मोबाइल नंबर की जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि जमानत पर बाहर आए रंजीत कुमार रजक 53वीं से 55वीं जो परीक्षा हुआ था उसमें सीधे डीएसपी नियुक्त हुआ। वर्ष 2012 में कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था। ईओयू इनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है। 67वीं बीपीएससी लीक मामले में गिरफ्तार राजेश ने वर्ष 2018 में कृषि विभाग में बतौर सहायक के रूप में ज्वाइन किया, जबकि राजेश 2012 में एसएससी फर्जीवाड़ा में जेल जा चुका। और ऐसे लोग को आप डीएसपी बनाया हुआ। रंजीत रजक के बारे में बता दें आपको, रंजीत कुमार रजक सबसे बड़ा विलेन है इसका। वो जो है बीएसएससी के पेपर लीक मामले में, गड़बड़ी मामले में वो चार्जशीटेड था, और देखिए उसके बाद वो बीपीएससी 53वीं से 55वीं निकाल लेता है, पूरी तरह से वो सेटिंग पर ही निकाला है। और ईओयू के द्वारा सरकार को, राजभवन को ये चिट्ठी लिखा गया कि इस अधिकारी की आप तैनाती न करें, इसको आप डीएसपी में बहाल न करें, बड़ा ही संगीन मामला इस पर है, फंसा हुआ है। लेकिन 2014 में जब जीतनराम मांझी की सरकार आई, उन्होंने बहाल कर दिया रंजीत रजक को। और देखिए कि वो ये जो है इरादतन अपराधी हैं, सेटरबाज हैं, कि उसकी डीएसपी बनने के बाद भी 67वीं बीपीएससी पेपर लीक में हाथ साफ कर दिया इसने। और ऐसे लोगों को बिहार पुलिस ढो क्यों रही है, जिससे एक बार गलती हो जाए वो सुधर जाए तो उसको सुधरने का मौका देना चाहिए। लेकिन जो इरादतन, जिसका पेशा ही है पुलिसिंग नहीं पेपर लीकबाजी करना, उसको आप बिहार पुलिस में इतने बड़े ओहदे पर रखे हुए हैं,
तो ये जो है हम लगातार छात्र छात्र नेता लगातार ये बात उठाते रहे हैं कि बीपीएससी जो है वो करप्शन का अड्डा 2022 से पहले था। अतुल प्रसाद जी के आने के बाद व्यवस्थाएं बहुत सही की गई, पारदर्शी बनाया गया, इसलिए 2022 से लेकर कितना भी आप आरोप लगा ले TRE1 TRE3 को लेकर, वो आपका जो है नाराजगी हो सकता है लेकिन पुख्ता सबूत नहीं मिला। नियमों में गड़बड़ी हो सकता है लेकिन बैकडोर जो है एंट्री नहीं हुआ, और यही वजह है कि हम लोग भी नहीं प्रश्न उठा सकते हैं। जब आपके पास पुख्ता सबूत होगा अतुल प्रसाद जी के कार्यकाल को लेकर तभी आप प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन 2022 तक पुख्ता सबूत हैं, लोग चीख चीख के कह रहे हैं। हमने भी उससे पहले परीक्षा दिया है कई बार, जो परीक्षाओं का चर्चा हो रहा है इस समय हम लोग का चयन इसी कारण नहीं हो पा रहा होगा कि हमारे सीट तो दूसरे ले जा रहे होंगे। तो बता दें आपको इसके, और फिर से जब अतुल प्रसाद जी का जब ट्रांसफर हुआ रिटायर किया यहां से, उसके बाद एक महीने के अंदर में देखिए TRE3 में बड़ा इतना भयंकर पेपर लीक हो गया। तो ये महज जो है संयोग नहीं है, ये सब साजिश है। और जब बीपीएससी में कड़ा ईमानदार अध्यक्ष बैठा रहा, 2 साल तक कुछ नहीं हुआ, हटने के बाद से ही खेल शुरू हो गया। इसके अलावा बता दें आपको हम कि जो खबरें दी गई हैं दैनिक भास्कर में, इसमें दिया गया है कि सिपाही भर्ती में OMR खाली सीट खाली छोड़वा दीजिए, बाद में भरवा देंगे। ये बातें तो लगातार जो छात्र हैं छात्र नेता हैं ये तो कॉमन बात है कि वो कहते हैं कि खाली आप छोड़ दीजिए बाद में भरवा देंगे, और रिजल्ट भी होता है ऐसे लोगों का। परीक्षा माफिया राजेश ने बताया कि वह और उसके साथी कोचिंग संस्थान के शिक्षक NIT पास इंजीनियर आदि से प्रश्न सॉल्व कराते हैं। राजेश ने अविनाश तूफानी का जिक्र करते हुए बताया कि अविनाश बोलता है कि सिपाही बहाली का OMR सीट ब्लैंक छोड़वा दीजिए, मैं आयोग के पदाधिकारी से उसे बाद में भरवा दूंगा। इसके बाद बता दें इसके लिए 6 से 7 लाख रुपए लगेगा। तूफानी ने बताया कि रंजीत रजक इसी तरह DSP बना है। रंजीत रजक की ओर से व्हाट्सएप पर भेजा गया ब्लैंक OMR सीट और बाद में भरा हुआ OMR सीट दोनों दिखाकर कहा कि देखो परीक्षा कैसे मैनेज होता है। राजेश ने कहा कि साल 2018 में सिपाही बहाली में भी उसका 5-6 अभ्यर्थी सफल हुआ। तो आप देखिए कि ये जो है रंजीत रजक के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी जो है इसी तरह DSP बना, और ऐसे ऐसे लोगों को बिहार पुलिस ढो रही है। और ब्लैंक OMR सीट ये तो शुरुआत से हम लोग सुनते हैं, और देखिए आप कि इसने स्वीकार किया है कि उसके कुछ पदाधिकारियों से जान पहचान है सिपाही भर्ती में, हो सकता है वो पदाधिकारी आज भी हो सकता है कि जो 21,391 सिपाहियों के भर्ती का मामला चला उसमें इन्हीं पदाधिकारियों के द्वारा जो है वो सारा खेल किया गया हो। तो एक नए सिरे से 21,391 सिपाहियों की भर्ती का भी मामला देखना होगा, और CSBC के कार्यालय और उसके कर्मचारी अधिकारियों के एक एक लोग का कुंडली निकालना होगा, क्योंकि ये लोग लंबे समय से जमे हुए हैं, और देखिए क्या क्या खेल चल रहा है। तो बिहार में सुशासन की सरकार है, न बचाते हैं न फंसाते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है, ये सब बातें थोथी हैं। ये महज जो है मंच पर खड़ा होके अपने कमियों को दबाने का एक तरीका है, लेकिन बिहार में देखा जाए तो इतना बड़ा खेल चल रहा है। और तेजस्वी यादव निकले हुए हैं सभी सभाओं में रोजगार को लेकर बोलते हैं, लेकिन इन सब कांडों को लेकर क्यों नहीं बोलते हैं? क्या वो इसी तरीके से भर्तियां निकालेंगे बिहार में? क्या इसी तरीके से युवाओं का चयन करेंगे? जो अमीर होंगे वही अफसर बनेंगे, वही सरकारी नौकरी में जाएंगे, और जो मेहनती हैं गरीब हैं साधारण परिवार से आते हैं वो सड़कों पर खाक छानते रहेंगे? तो आज का जो रिपोर्ट है दैनिक भास्कर का, ये लंबे समय से छात्रों के बीच में ये बातें उठती रही हैं, लंबे समय से हम लोग उठाते रहे हैं कि ये सब करप्शन भ्रष्टाचार बिहार जकड़ा हुआ है, लेकिन आज पेपर का फ्रंट न्यूज बना है तो बहुत सारे छात्रों की जो दबे हुए जो गुस्सा है जो भड़ास है वो निकलने का मौका मिलेगा। और हम आशा करेंगे कि जब इतना तक पहुंचा गया है तो एक एक चीज का जांच किया जाए, 2010 से लेकर 2024 तक हर एक अधिकारी, चाहे BPSC हो CSBC हो दरोगा भर्ती हो BSSC हो, उनके हर एक कार्य प्रणाली को देखा जाए, कहां कहां आरोप लगा है, किनके किनके द्वारा जो है नियमों को ताक पर रख के बिहार के भर्ती एजेंसियों का जो अपमान किया गया है जो कलंकित किया गया है उन सभी का जांच होना चाहिए। आशा करेंगे कि जांच में जो खुलासे हुए हैं
अंतिम परिणाम तक जाएंगे और कम से कम जो इन दौरान छात्र चयन नहीं हो पाए, जिनके सपने पूरे नहीं हो पाए योग्यता रहने के बावजूद, कम से कम उनके जख्मों पर मरहम तो लगाया जाए। कम से कम आप उनको जख्म आपने दिया है तो कम से कम दवा भी दें आप उन्हें। बहुत सारा फहरिस्त है, हजारों हजार युवाओं का, जो कि हो सकता है कि अब तैयारी छोड़ दिए होंगे या फिर हो सकता है दूसरे परीक्षा में चयनित हो गए होंगे, लेकिन सपना उन लोगों का जो था, उनके साथ जो अन्याय किया गया है, जो अन्याय किया है उनको कम से कम दंडित जरूर किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।